हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो हमने टेन एम सी क्यूज डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में तो आज हम नेक्स्ट टेन एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे ठीक तो अपनी नोटबुक्स निकाल लो तो उस पर आप आ, लिखो कि आपने कितने एकोरेट किए कितने रॉन्ग हुए ठीक और जो स्कोर होगा आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ठीक सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो क्वेश्चन नंबर अलेवन जो है वाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ हीलियम हीलियम की आपने अटोमिसिटी बतानी है क्या है एट वन टू थ्री तो क्या है हीलियम की अटोमिसिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अटोमिसिटी क्या होती है अटोमिसिटी मीन्स जब हमारे पास जो एटम्स कंबाइन करते हैं कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं वो ठीक जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के आउट्रोमोशेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है एच टू बनाता है ठीक सो इसकी अटोमिसिटी क्या आ गई इसकी अटोमिसिटी आ गई टू लेकिन हमें किसका बताना है हीलियम का बताना है हीलियम के जो आउटोमो शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट मीन्स इसका जो ऑक्टेक्ट होता है वो कम्प्लीट होता है जब इसका ऑक्टेक्ट कम्प्लीट होगा तो ये क्या होगा ये क्या होगी स्टेबल होगी ठीक ये स्टेबल गैस होती है दैट इज़ वाई इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो जो हीलियम गैस है ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं नहीं बनाती ठीक सो so, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी दैट इज़ वन सो जो हीलियम की एटोमिसिटी क्या है वन है सो so, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ बी है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल के ऊपर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फॉन्ड ऑनली इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट होती है बर्ड्स मैमल्स फिशिज या ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में प्रजेंट होती है सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स जो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिन्थिस होती है फोटोसिंथिस की मदद से वह अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक सो so, जो इसका राइट right आंसर क्या है सो so, जो बर्ड्स है बर्ड्स का राइट right आंसर नहीं है मेमल्स भी नहीं है ठीक उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ फिशज फिशिज़ भी नहीं है और इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स जो है बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद तैयार करते हैं ठीक और जो बाकी एनिमल्स होते, है, होते, है? होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं सो इसके जो राइट right आंसर है डी है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के ऊपर ठीक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज़ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी आप बतानी है आप बतानी है आपको कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है एग्जॉस्टेबल कन्वेशनल नॉन कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ठीक तो जो एनर्जी है उसको क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में एक को बोला जाता है रीनूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या इसको आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है ठीक जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी है इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ इन एग्जॉस्टेबल एनर्जीज भी कहा जाता है इनको ठीक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इनको कहा जाता है ठीक नॉन कन्वेंशनल मीन्स ये पोल्यूशन काज नहीं करते डू नॉट कॉज पोल्यूशन ठीक ये पोल्यूशन काज नहीं करते जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ठीक इनका जो दूसरा नाम है दैट इज़ एग्जॉस्टेबल एनर्जीज़ भी इनको कहा जाता है ठीक और एक नाम इनको कहा जाता है दैट इज़ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इनको कहा जाता है ठीक इट मीनस ये क्या करते हैं पोल्यूशन काजिंग होते हैं पोल्यूशन काजिंग ठीक जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं इसमें आप एग्ज़ाम्पल याद रख सकते हो विंड एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी ठीक इसके अलावा हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इसके अलावा है बायोमास एनर्जी ठीक ये सारी एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ़ एनर्जी है इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हो कोल पेट्रोलियम अच्छा नेचुरल गैस ये सारे इसमें आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज में आते हैं ठीक सो सोलर एनर्जी सॉरी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है इसमें सोलर एनर्जी भी आती है ठीक सो जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ एग्जॉस्टेबल सॉरी इसका जो राइट आंसर दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक नॉन कन्वेंशनल का दूसरा नाम क्या बोला था मैंने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक नाम बोला था मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है ठीक और सॉरी uh, और क्या कहा जाता है इनको इन एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये सारे नाम आपने याद रख लेने हैं ठीक उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के ऊपर विच आर द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूअल इसमें मिनरल फ्यूअल की एग्जाम्पल कौन सी है मतलब एज अ फ्यूअल यूज़ करते हैं ठीक जिनको डग आउट किया जाता है अर्थ से डग आउट फ्रॉम उर्थ और उनको एज अ फ्यूअल यूज़ किया जाता है बॉक्साइड को नहीं किया जाता है मैंगनीज को भी नहीं किया जाता मीका को भी नहीं किया जाता है कोल को जो है एज अ फ्यूअल यूज़ किया जाता है ठीक सो so, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये आप सबको आएगा ठीक इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और क्रिश्योब्स लॉ सबसे पहले हम सारों को डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक ये बोलता है थर्ड लॉ सेकेंड लॉ क्या बोलता है एफ इज इक्ल टू एम ए फोर्थ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सल रेशन ठीक ये सेकेंड लॉ है थर्ड लॉ क्या बोल सॉरी फर्स्ट लॉ क्या बोलता है जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक ना किसको उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए इस लॉ को लॉ ऑफ गलीलियो भी कहा जाता है या इसको लॉ ऑफ इनर्शा भी कहा जाता है ठीक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यह आपने याद रख लेनी है ठीक सो जो इस कृषोपला तो नहीं है ठीक सो so, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज न्यूटन्स दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ठीक सो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ए न्यूटन्स थर्ड लॉ है ठीक उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के ऊपर विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका चार्ज नहीं होता ठीक ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होता है ठीक इसका होता है नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास प्रोटॉन है प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है ठीक और इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है ठीक ये आपने याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट है सो किसका इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता दैट इज़ न्यूट्रॉन इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के ऊपर विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैस लॉ शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स वॉल्यूम वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स के बीच में कौन रिलेशनशिप बताता है तो कौन लॉ बताता है बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, अवगर लॉ या गे लुसेक्स ला ठीक तो बॉयज ला में आपको मैंने बताया था ट्रिक से बी टी इसमें टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहता है चार्ज ला में सी बी कॉस्ट प्राइज इसमें प्रेशर कॉन्सटेंट रहता है अवगद्रोज ला में क्या Uh, क्या कॉन्सटेंट रहता है यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहता है ठीक ये आपने याद रखना है ठीक जो गेल उस ला में जी वी में बताया था यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्सटेंट रहता है और इनके बीच में आप ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हो ठीक तो ये आप लेक्चर में देखोगे कि इनका ग्राफ कैसा है ठीक ये इंपॉर्टेंट है तो कौन ला हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के बारे में ठीक तो दैट इज़ अवागद्रोज लॉ अवगद्रोज लॉ जो हमें बताता है किसके बारे में वॉल्यूम के बारे में ठीक और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के बारे में सो so, इसका जो राइट right आंसर है वो सी है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के ऊपर विच आर द फॉलोइंग हैज़ द लोस्ट फ्रीकवें फ्रीकवेंसी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इनमें बताना है कि किसकी लोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इन्फ्रा रेड रेडियोवेज माइक्रोवेज गामा रेज तो इसमें मैंने ट्रिक बताई थी क्या याद रखना है आपने रिच uh, मैन इन विक्टोरिया यूज़ यूज़ एक्स्ट्रा गोल्ड क्वाइन तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी लेक्चर में जिसने वो नहीं देखा वो जाके उसको देख लो आर से आ गया रेडियो वेव्स एम से आ गया माइक्रोवेवस आई से आ गया इन्फ्राड रेज वी से आ गया विजिबल लाइट यू से आ गया यू uh, से आ गया अल्ट्रा वायल्ट रेज एक्स से आ गया एक्स रेज जी से आ गया गामा रेज और सी से आ गया कॉस्मिक रेज ठीक मैंने इनको प्लेस किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एयर ठीक अगर ऐसे जाएँगे आएगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ द एयर वेव ठीक तो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है दैट इज़ रेडियो वेव्स की है सो so इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी है ठीक उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के ऊपर बीचो द फॉलोइंग विटामिन वटामिन डेफिशंसीज काज जीरोप थेलमिया तो किस विटामिन से हो जाता है जीरोप थलमिया वैटामिन ई के ए बी ट्वेल्व जो विटामिन ई e है इससे हो जाती है सिटी रैलिटी हो जाती है इससे ठीक जो विटामिन के है इससे हो जाता है इससे हो जाता है हीमो हीमो रेज हो जाता है इससे ठीक जो विटामिन ए है इससे हो जाता है जीरोप थैलमिया हो जाता है इससे ठीक तो इसका राइट right आंसर है ए और विटामिन बी ट्वेल्व से क्या होता है इससे हो जाता है पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है इस ठीक ये सारा मैंने आपको लेक्चर में बताया है ठीक सो so, इसका जो राइट आंसर है वो सी है उसके बाद हम चलते हैं लास्ट एम के ऊपर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कार्ल्ड फोटोसिंथसिसरेशन एनोरॉबिक रेस्पिरेशन मतलब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है तो क्या बोला जाता है फोटोसेंस इज नॉट इ्रांसफरशन नॉट एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये भी नहीं है तो इसका जो राइट right आंसर है वो एन एरोबिक रेस्परेशन है ठीक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सो इसका जो राइट right आंसर है वो डी है ठीक तो ये थे आज के टेन एम आप अपना स्कोर जो है कॉमेंट सेक्शन में बताओगे ठीक तो होप यू लाइक इट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स थैंक यू